हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रिफाइनरी के कार्यों को मिलेगी गति, सीएम सलाहकार एवं जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविंद शर्मा ने शुक्रवार को पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के सलाहकार शर्मा एवं कलेक्टर बंधु शुक्रवार प्रातः पचपदरा पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्य की बारीकी से अवलोकन किया तथा विस्तार से इन पर चर्चा की। उन्होंने समयबद्ध रूप से प्रत्येक कार्य को उसके निर्धारित समय पर पूर्ण करने को कहा ताकि रिफाइनरी तय समय पर चालू हो सके। उन्होंने रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे प्रोजेक्ट पर विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परस्पर विभागीय समन्वय एवं लंबित मुद्दों पर चर्चा की। एचआरआरएल के मुख्य महाप्रबंधक एन बाला ने पीपीटी के जरिए कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसी के अनुरूप उसके प्रदेश स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड काल के व्यवधान के बावजूद राज्य सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए परियोजना की सहभागी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ सभी स्तर पर बकाया मुद्दों का अविलंब हल करने को कहा। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल के अधिकारी अपने संसाधनों को बढ़ाकर इसे और अधिक गति दें। साथ ही उन्होंने एचपीसीएल एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य परस्पर बेहतर समन्वय रखते हुए निर्माण की गति को त्वरित रखने को कहा ताकि शीघ्र ही इसे उत्पादन प्रारंभ हो सके। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी के अनुषंगी उद्योगों के लिए आसपास के परिक्षेत्र में रीको के औद्योगिक क्षेत्र भी समांतर रूप से विकसित कर लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने एचपीसीएल एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य परस्पर बेहतर समन्वय रखते हुए निर्माण की गति त्वरित रखने को कहा ताकि शीघ्र ही इसे उत्पादन प्रारंभ हो सके। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी के अनुषंगी उद्योगों के लिए आसपास के परिक्षेत्र में रीको के औद्योगिक क्षेत्र की समानांतर रूप से विकसित कर लिए जा सके ताकि औद्योगिक विकास दिन दुगनी रात चौगुनी गति से हो सके और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल सके। उन्होंने भविष्य के मानव संसाधनों की आवश्यकताओं से भी अवगत करवाने को कहा ताकि उसी अनुरूप स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराकर दक्ष बनाया जा सके। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, उपखंड अधिकारी नरेश सोनी समेत एचआरआरएल के अधिकारी मौजूद रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।